हेलो एंड वेलकम टू द साइंस क्लासेस तो हमारा आज का टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड तो लिविंग वर्ल्ड को स्टडी करा जाता है बायोलॉजी के अंडर तो so, बायोलॉजी है क्या बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द लिविंग क्रिएटर्स सो ये ब्रांच होती है साइंस की मतलब साइंस की है ये और इसके अंडर हम लोग पूरे के पूरे लिविंग क्रिएटर्स को पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड को स्टडी करते हैं और वर्ल्ड हैज़ अ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर लिविंग एंड नॉन लिविंग है ना तो so, लिविंग वो वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेंस कर सकती हैं जो ब्रीथ कर सकते हैं और नॉन लिविंग वो वाले होते हैं जो ना तो ब्रीथ कर सकते हैं ना तो सेंस कर सकते हैं थर्ड होता है कि लिविंग क्रिएचर्स मूव कर सकते हैं और नॉन लिविंग क्रिएचर्स मूव नहीं कर सकते लेकिन लिविंग क्रिएचर्स में प्लांट्स एक एक्सेप्शन है जो कि मूव नहीं कर सकते और लिविंग क्रिएचर्स में वायरसेस भी एक एक्सेप्शन है बिकॉज वायरसेज में क्या है कि जब वो किसी भी लिविंग सेल के बाहर होते हैं तो बिल्कुल लाइफलेस होते हैं वो रेप्लीकेट नहीं कर सकते वो रिप्रोडक्ट नहीं कर सकते वो मूव नहीं कर सकते वो कोई भी करेक्टर शो नहीं कर सकते जो कि एक लिविंग क्रिएटर में होता है लेकिन जैसे ही वो एक लिविंग सेल में एंटर करते हैं वो बहुत तेजी से रेप्लीकेट करते हैं वो मूव भी करते हैं और वो सारे फंक्शंस करते हैं जो कि एक लिविंग क्रिएटर के द्वारा किए जाते हैं तो कुछ करैक्टर्स होते हैं स्पेसिफिक करेक्टर्स होते हैं ज, जिनकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि हाँ इस क्रिएचर को हम लोग लिविंग क्रिएचर बोल सकते हैं और ये नॉन लिविंग नहीं है ये लिविंग क्रिएचर है डेट इज़ दी प्रोटोप्लाज्म सो प्रोटोप्लाजम एक क्रिस्टेलो कोलोरियल कम्प्लेक्स होता है जो कि हर एक लिविंग बींग में प्रेजेंट होता है और ये डेली लाइफ के बहुत सारे काम करने के लिए बहुत सारी लाइफ एक्टिविटीज़ करने के लिए हेल्प करता है लिविंग क्रिएटर्स को और इट अकर्स इनसाइड द सेल्स और ये हमारे सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है देन द सेलुलर स्ट्रक्चर जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं या तो वो एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल से बनी होती हैं दे आर मेड अप फ्रॉम दी सेल्स और सेल्स में प्रोटोप्लाज्म भी होता है जिसमें कि जेनेटिक मटेरियल होता है ओके अ सेल ऑलवेज कंटेन प्रोटोप्लाज्म हम लोगों ने ऊपर देखा कि प्रोटोप्लाजम सेल्स के अंदर होता है और हर प्रोटोप्लाजम के अंदर देन आगे जेनेटिक मटेरियल होता है और जेनेटिक मटेरियल क्या होता है जेनेटिक मटेरियल लिविंग बींग प्रोसेज जेनेटिक मटीरियल ट्रांसफर दी फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन सो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जो एक जेनेटिक कोड होता है वो ट्रांसफर हो जा होता जाता है आगे से आगे जनरेशन टू जेनरेशन उसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मटीरियल देन द ऑर्डर तो जो लिविंग बींग्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स एंटिटीज हैं और उन्होंने नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स हैं और अगर उनको अच्छे से काम करना है तो उन्हें एक प्रॉपर ऑर्डर में काम करना पड़ेगा एक प्रॉपर वे में काम करना पड़ेगा अदरवाइज काम ह्यूमन uh, बींग के जो फंक्शंस हैं वो बिल्कुल डिसऑर्डर मैनर में नहीं हो सकते देन द मेटाबॉलिज्म हम सभी जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म एक फीचर है लिविंग क्रिएटर्स का देन एनर्जी सो एवरी लिविंग बींग नीड एनर्जी हम लोग एनर्जी को ओप्टेन करते हैं और देन यूटिलाइज़ करते हैं हमारी डेली की एक्टिविटीज़ करने के लिए हम लोग खाना खाते हैं उसे हम लोग कैलोरीज लेते हैं एनर्जी लेते हैं और फिर हम उसी एनर्जी को यूज़ करते हैं आगे और बहुत सारे काम करने के लिए हमारी डेली एक्टिविटीज सारी हम लोग इस एनर्जी को ही यूटिलाइज करके फिट कर पाते हैं देन द होम्योस्टेसिस होम्योस्टेसिस क्या होता है कि एक फेवरेबल इंटरनल इन्वायरमेंट होता है जो कि हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के चेंज होने के बाद भी हम लोगों को सपोर्ट करता है उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में रहने के लिए जैसे कि स्वेटिंग स्वेटिंग होती है जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है बहुत ही ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग तो हमारी स्किन में स्वेटिंग होनी शुरू हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारी स्किन को कूल cool करता है वो हमें अडेप्ट करता है कि हम लोग उस हाई टेम्परेचर में रह पाएँ दैन द कॉन्शियसनेस सो कॉन्शियसनेस हम लोगों को फील होता है अगर कोई टच करेगा तो फील होएगा, पेन हैप्पीनेस एवरी है ना हम लोग कॉन्शियस होते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के इरीटेबिलिटी हम लोगों का मतलब चलो ठीक है हम लोग स्वेट करके अपनी स्किन को कूल cool कर लेते हैं लेकिन हीट वेव्स वो भी तो एक फिनोमिना है हीट वेव्स की वजह से हर साल कितने बच्चों की डेथ होती है कितने लोगों की डेथ होती है तो इरीटेबिलिटी भी होती है कहीं ना कहीं एक सर्टेन पॉइंट से ज़्यादा टेम्परेचर भी हम लोग नहीं बियर कर सकते और एक सर्टेन पॉइंट से नीचे का टेम्परेचर भी हम लोग बियर नहीं कर सकते हीलिंग एंड रिपेयर सो हम लोग को चोट लगती है और कुछ टाइम बाद वो चोट ठीक भी हो जाती है समटाइम्स हमें मेडिसिन की जरूरत पड़ती है और समटाइम्स तो हम लोग को ज़रूरत भी नहीं पड़ती हम लोग ऐसे हील कर जाते हैं देन द वेस्ट इज मेटाबॉलिज्म के थ्रू हम लोग वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं एवरी लिविंग बींग मेक द एक्सप्रीटा दैन मूवमेंट लेकिन इनमें प्लांट एक एक्सेप्शन है सब लिविंग क्रिएचर्स मूव कर सकते हैं एक्सेप्ट द प्लांट्स देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी एक फीचर है लिविंग क्रिएटर्स का जब हम लोग पैदा होते हैं तो कितने छोटे से होते हैं फिर जैसे जैसे हम लोगों की एज बढ़ती जाती है हम लोगों की हाइट बढ़ती जाती है हम लोगों के ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते जाते हैं सॉरी ऑर्गेनिजम्स नहीं हम लोग के ऑर्गेन्स डेवलप होते जाते हैं देन द रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन एक और अलग फीचर है लिविंग क्रिएटर्स का Uh, हम लोग अपने जैसे और न्यू स्पीशीज uh, हम हम लोग अपने जैसी ही स्पीसीज के न्यू ऑफ स्प्रिंग्स को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इसी वजह से तो दुनिया चल रही है नहीं तो पॉपुलेशन इतनी हो ही नहीं सकती है ना रिप्रोडक्शन ही होएगी तो आगे से आगे पॉपुलेशन आएगी ही नहीं आगे से आगे हमारी जनरेशन आएंगी ही नहीं और यही एक जनरेशन रहेगी और उसके बाद तो ह्यूमन बींगस रहेंगे ही नहीं को, कोई भी लिविंग बींग नहीं रहेगा ह्यूमन बींग्स के कोई भी लिविंग बींग नहीं रहेगा तो रिप्रोडक्शन इज़ ऑल्सो अ फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स देन द वेरिएशन हम लोगों में काफ़ी सारे वेरिएशन आते हैं जैसे हम लोग को हमारा मेटाबॉलिकल चेंज आते हैं हम लोगों पर हमारे इन्वामेंट का इफेक्ट होता है हमारे जेनेटिक मटेरियल की रीशफलिंग होती है देन हमारी एप्लीकेशन में काफ़ी सारे एरर्स आते हैं दैन हम लोगों में एक और फीचर होता है लिविंग क्रिएचर्स में एक और फीचर होता है डेट इज़ एडाप्टशन एवोल्यूशन लाइफ स्पैन एंड लाइफ साइकिल सो हम लोग का एक प्रॉपर लाइफ स्पैन होता है जिसमें हम लोग पहले बर्थ फिर हम लोगों की पवर्टी एज आती है फिर हम लोग यूथ में आते हैं फिर, है, फिर हम लोग सीनियर सिटीजन हो जाते हैं ओल्ड एज में आते हैं एवोल्यूशन सभी लोग जानते हैं डा डार ऑफ एवोल्यूशन तो वो है कि पहले आए फिर हम लोगों के एप्स में से हम लोगों के इंसेस्टर्स वो हुए हैं फिर जो आगे ह्यूमन बींग्स डेवलप हुए दैन अडेप्टशन हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं काफ़ी ईजी से किसी भी इन्वामेंट में एक हद से ज़्यादा हम लोग सेंसिटिव नहीं होते और एक हद से ज़्यादा हम लोग टॉलरेट भी नहीं कर सकते सो so, काफ़ी हद तक हम लोग अडेप्ट कर लेते हैं देन द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ में तो तीन सबसे बेसिक केमिकल्स होते हैं जो कि लिविंग क्रिएटर्स में होते हैं डेट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड ऑक्सीजन तो ये जो तीन केमिकल्स होते हैं ना इनमें से ही आगे बाकी के केमिकल्स बनते हैं हमारे ओके okay? ये हम लोग के बेसिक केमिकल्स होते हैं और बाकी सब केमिकल्स इन्हीं बेसिक केमिकल्स से बनते हैं देन ये बहुत सारे काम करते हैं हमारी बॉडी के लाइक ऑल्सो दे ऑल्सो कैप्चरिंग स्टोरिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलाईजेशन ऑफ एनर्जी तो ये सब इन तीन मेन बेसिक केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से हम लोग बाकी सब काम कर पाते हैं बाकी सब मॉलिक्यूल्स बाकी सब केमिकल्स हैं जो वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो दो टाइप्स के हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं मॉलिक्यूल्स बनते हैं इनमें से माइक्रो और मैक्रो माइक्रो वो वाले होते हैं जो बहुत ही सिंपल और स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं ओके okay? काफ़ी सिंपल और स्मॉल साइज़ के मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास जैसे कि सिंपल शुगर्स स्मॉल फैटी एसिड्स तो ये हमारे पास होते हैं माइक्रो मोलिक्यूल्स और जो माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं वो माइक्रो मोलिक्यूल्स के कंडेंसेशन सिंथेसिस से ही बनते हैं आगे जैसे हमारे पास होके कार्बोहाइड्रेट्स इसके आगे फोर टाइप्स हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स देन उसके बाद हमारे पास लिपेड्स आते हैं प्रोटीन्स न्यूक्लिक एसिड्स तो ये सब कैसे बनते हैं ये सब बनते हैं माइक्रो मोलिक्यूल्स की वजह से ओके माइक्रो मॉलिक्यूल्स की कंडेंसेशन सिंथेसिस से बनते हैं ये देन द एनर्जी ट्रांसफर डिवाइसेस ऑफ लाइफ हमारी जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं हमारी उनके लिए हम लोगों को एनर्जी तो रिक्वायर्ड है ही चाहे वो ग्रोथ हो वो मोशन हो वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन हो वो कॉन्ट्रैक्शन हो इम्पल्स कंडक्शन हो बहुत सारे ऐसे हमारे जितने भी एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी सैलोलर एक्टिविटीज़ हैं उनके लिए हमें एनर्जी तो चाहिए चाहिए जो फ़ोटो आटोड्रॉप्स होते हैं वो बिल्कुल प्राइमरी सोर्स होते हैं एनर्जी का जैसे हमारे पास कुछ एल्गीज़ होती हैं जो कि फ़ोटो आटोड्रॉप्स होती हैं प्लांट्स हमारे पास फ़ोटो आटोड्रॉप्स होते हैं और वो अपना खाना जो बनाते हैं अपना फूड जो लेते हैं अपनी एनर्जी जो लेते हैं वो सीधी सीधी सोलर एनर्जी और वाटर में से लेते हैं सॉरी <coughs> तो वो लोग सोलर एनर्जी से अपनी एनर्जी लेते हैं ओके okay? तो ये भी आगे दो टाइप की होती है स्टोर्ड एनर्जी और यूजबल एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो कि हम लोग इस वक्त यूज़ नहीं कर सकते हम लोग स्टोर करके रख लेते हैं लिविंग क्रिएटर्स स्टोर करके रख लेते हैं ताकि वो इन फ्यूचर उसको यूज़ कर पाएँ और यूज़ेबल एनर्जी वो वाली एनर्जी होती है जो इस वक्त हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं हम लोगों ने स्टोर नहीं करी जो यूज़ कर रहे होते हैं वो होती है यूज़ेबल एनर्जी तो स्टोर्ड एनर्जी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं बिकॉज वो मोशन में नहीं है वो एकदम स्टोर्ड है एक जगह पर और यूज़ेबल एनर्जी को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी बिकॉज उसको हम लोग उस वक्त यूज़ कर रहे होते हैं और एक साइंस की अलग ब्रांच है बायोजन बायो एनर्जेटिक्स बायो एनर्जेटिक्स एक और ब्रांच है साइंस की जो कि देखती है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र कैसे हो रहा है लिविंग में देन ऑर्गेनिज्म आर ओपन सिस्टम तो हम लोगों के पास दो तरह के सिस्टम होते हैं तो ऑर्गेनिज़म्स जो होते हैं वो हम लोग के पास ओपन सिस्टम में कर करते हैं दो टाइप के सिस्टम होते हैं ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम ओपन सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है जिसमें हम लोग अपनी सराउंडिंग्स के साथ मटीरियल और एनर्जी दोनों को एक्सचेंज करते हैं जैसे कप ऑफ टी ले लो तो वो कप ऑफ टी है जो उसमें से वेपर्स निकलेंगे तो वो हो गया मटेरियल एक्सचेंज और वो कप को काफ़ी हीट भी देगा तो वो हो गया हमारा एनर्जी एक्सचेंज देन क्लोज सिस्टम आता है तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है कि हम लोग ना तो एनर्जी और ना ही मटेरियल दोनों एक्सचेंज नहीं होते उसके सराउंडिंग के साथ क्लोज सिस्टम में वो बिल्कुल इंसुलेट होता है फ्रॉम द सराउंडिंग जैसे आप देखो फ्लास्क बोटल है फ्लास्क बोटल में कुछ भी गर्म चीज़ रख लो आप उसमें से ना तो वेपर्स बाहर निकल पाएंगे और ना ही एनर्जी बाहर निकल पाएगी तो वो होता है हमारे पास क्लोज सिस्टम सो क्लोज सिस्टम में तो एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है बिकॉज वो बाहर नहीं निकल पाती तो इसलिए हमारे पास कोई भी आइडियल क्लोज सिस्टम नहीं होता भले आप फ्लास्क बोतल में कोई भी हो चीज़ रख लो आप मान लो टी रखी हुई है उसके अंदर तो वो आफ्टर सर्टेन टाइम वो ठंडी हो ही जाएगी वो अपनी एनर्जी लूज कर ही देगी तो आइडियल क्लोज सिस्टम प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है थोरेटिकली तो है और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो तो हमेशा ही ओपन सिस्टम में लाई करते हैं बिकॉज वो ब्रीथ करती हैं तो वो मटेरियल तो हर समय एक्सचेंज कर रही है, है ना हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं और ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो इस वजह से हम लोग जितने भी लिविंग क्रिएचर्स हैं वो हमेशा ओपन सिस्टम में लाई करते हैं सो थैंक यू